बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नुमान। आज की इस वीडियो में मैं आपको कतर लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 47 के बारे में बताऊंगा, जो एम्प्लॉय पर्सनल फाइल से मुतलिक कंपनी की रहनुमाई करता है। कतर लेबर लॉ के मुताबिक कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वो हर वर्कर की एक फाइल मेंटेन करे, जिसे एम्प्लॉय पर्सनल फाइल कहा जाता है। एम्प्लॉय पर्सनल फाइल में कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट वर्कर्स से मुतलिक तमाम डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कतर लेबर लॉ के मुताबिक कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वो वर्कर के रिजाइन करने के बाद भी कम से कम एक साल तक उसकी फाइल को महफूज रखे। एम्प्लॉय पर्सनल फाइल को अपडेट करने की जिम्मेदारी एचआर डिपार्टमेंट की होती है, और एचआर डिपार्टमेंट उस फाइल में वर्कर्स से मुतलिक तमाम डॉक्यूमेंट महफूज करता है। मिसाल के तौर पर वर्कर की सीवी, पासपोर्ट कॉपी, कतर आईडी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वार्निंग लेटर, इंक्रीमेंट लेटर, लीव एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन फॉर्म वगैरह वगैरह शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।